आई होप आप खैरियत से होंगे। दोस्तों ये सामने आपको क्रेन जो वर्क करती हुई नज़र आ रही है, ये कंक्रीट के स्लीपर जो है उनको ऑफ लोड कर रही है। ये आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखें जैसे उसने और ये मेरे लेफ्ट साइड पे आपको जो रैक नज़र आ रहा है ये 25 अब भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का है, जो कि इस टाइम सिटी स्टेशन पे प्लेस है मुल्तान छावनी जाने के लिए। और काफ़ी लंबा रैक है, 18 वो कोचें लगाई गई हैं इसको, और सामने वो क्रेन वर्क कर रही है। सामने हमारा रेलवे का मेहनत कश और हार्ड वर्किंग अमला अपने काम में मसरूफ। देखो भाई देखो, ये सामान लोड कर रहे हैं उसमें लगेज वैन में, कराची से मुल्तान जाने वाली 25 आप भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के लगेज वैन में आपको देख रहे हैं जैसे कि सामान लोड हो रहा है। देखो हालत पत्थरों में, ये ऐसे भी खींचोगे प्लेटफॉर्म कहाँ है, माल कहाँ लोड हो रहा है। अब आप व्यूवर्स ये देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पे है, और भाई सही कह रहे हैं, और ये सामान जो है देखें कितनी मुश्किल से ये लोड कर रहे हैं। ये इतना बड़ा रैक है और प्लेटफॉर्म पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये लोग आराम से अपना सामान जो है वो लोड कर सकें, तो इनका भी ख्याल करना चाहिए हमारी रेलवे अथॉरिटीज़ को, और इनके लिए भी सहूलत देखनी चाहिए कि कहाँ ट्रेन को प्लेस करें जहाँ पर आसानी से अपना सामान जो है वो ट्रेन के अंदर लोड कर सकें। तो ये देखें आप, ये भाई किस तरीके से जो है वो उस पर ट्रॉली पर सामान रख के इतने भारी भारी बोरे जो है वो उसके अंदर लोड कर रहे हैं। आए मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, ये देखें ये वो ट्रॉली है जिसपे सामान लेके आए हैं, और ये देखें ये लगेज वैन है, और ये लगेज वैन के अंदर चलते हैं। तुम रेलवे वाले हो नहीं? ये व्यूअर्स लगेज वैन है जिसमें ये सामान जो है वो प्लेस कर रहे हैं। ओए मनोहर, ये फटा हुआ है लगा उस्ताद, बोले 30 की अंदर साइड चला दे ना, ये 30 मिनट में डाला ब्रेक के अंदर, तीन सामान है क्या बात है। इसके अंदर सामान जो है वो लोड किया जाता है लगेज वैन के अंदर। कराची से मुल्तान जाने वाली 25 अब भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की ये लगेज वैन जिसका मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ। ये देखें कैसे सामान ये लोड हुआ है। अब ये देखें भाई लोग फिर अपना जोर लगा रहे हैं भरपूर, माल करी पे बाहर ये तो फिरेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लियाकत है। लियाकत भाई कितने साल से रेलवे में आप? अभी मेरे को तो बहुत साल हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो है आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही है? मुश्किलात है तुम सामने देख रहे हो, प्लेटफॉर्म से 4 डब्बे नीचे है, मुश्किलात यही है। अच्छा हाँ, तो ये पहली दफा हो रहा है या रोज ऐसे ही होता है? रोजाना होता है भाई, 3 साल से यही अजाब है हमारे लिए। तो आप लोगों ने आगे अपने बहुत कुछ किया, कोई सुनता ही नहीं है। चले इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल के तवस्से से आपकी इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करवाऊंगा। आपको खुश रहेगा भाई, बस याद रखिएगा। तो देख रहे हैं ये लियाकत भाई थे जो यहाँ पे सिटी रेलवे स्टेशन पे होते हैं, ये लगेज वैन में सामान लोड कर रहे हैं व्यूअर्स। लेकिन ये मसला ये है कि ये लगेज वैन आप देखें कि एक तो ये डिस्टेंस देखें आप इसका, और आप इसका जो है वो हाइट देखें इसकी, और ये लगेज वैन में फिर इतना हैवी सामान आप देखें, ये लोड करना कोई आसान बात नहीं है। तो मेरी अपने चैनल के तवस्सुल से रेलवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि वो काइंडली जो है, आप देखें मैं नीचे उतर रहा हूँ इससे लगेज वैन से बाहर, ख्याल करना भाई ख्याल करना। आगे से अगली तरह पीछे उठने का रेड़ा कर दियोगा। एक नजर छोड़ दीजिए, ये इसका दूसरा हिस्सा है जहाँ पे ये लोग भाई लोग सामान लोड कर रहे हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे आमिर हुसैन बात कर रहा हूँ, ये हकीम साहब की शादी नहीं होती। ये इसका लगेज वैन का नंबर और ये लगेज वैन, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लगेज वैन का रिव्यू मेरा 25 आप भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के साथ जो अटैच है कराची से मुल्तान छावनी जाने वाली वो पसंद आएगा। तो जो इन भाइयों का मसला है काइंडली मेरी रेलवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि वो इस प्रॉब्लम को भी जो है वो हल करें।